अंकमाल नामक एक युवक भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और बोला, भगवान मैं संसार की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। आप मुझे जहां भी भेजना चाहें भेज दें, ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखा सकूं। बुद्ध हंसे और बोले, तात संसार को कुछ देने के पहले अपने पास कुछ होना आवश्यक होता है, जबकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर संसार की भी सेवा करना। अंकमाल वहां से चल पड़ा और विभिन्न प्रकार की कलाओं के अभ्यास में जुट गया, बाण बनाने से लेकर चित्रकला तक, मल्ल विद्या से लेकर मल्लाकारी तक, जितनी भी कलाएं हो सकती हैं उन सब का उसने 10 वर्ष तक कठोर अभ्यास किया। अंकमाल इन सब में इतना अच्छा हो गया कि सारे देश में उसकी ख्याति फैल गई। अपनी प्रशंसा से आप प्रसन्न होकर अंकमाल अभिमान पूर्वक लौटा और तथागत की सेवा में उपस्थित हुआ। अपनी योग्यता का बखान करते हुए उसने कहा, भगवान अब मैं 64 कलाओं का ज्ञाता हूं और मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखा सकता हूं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तो तुम कलाएं सीख कर आए हो, परीक्षा दे लो तब उन पर अभिमान करना। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण नागरिक का वेश बदलकर अंकमाल के पास गए और उसे अकारण खरी खोटी सुनाने लगे। अंकमाल क्रुद्ध होकर मारने दौड़ा तो बुद्ध वहां से मुस्कुराते हुए वापस लौट पड़े। उसी दिन 2 बुद्ध श्रवण वेश बदलकर अंकमाल के समीप जाकर बोले, आचार्य आपको सम्राट हर्ष ने मंत्री पद देने की इच्छा व्यक्त की है, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? अंकमाल को लोभ आ गया, उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी चलो। दोनों श्रवण भी मुस्कुरा दिए और चुपचाप लौट गए। अंकमाल हैरान था, बात क्या है? थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध पुनः उपस्थित हुए, उनके साथ आम्रपाली थी। अंकमाल जितनी देर तथागत वहां रहे आम्रपाली की ही ओर बार बार देखता रहा। बात समाप्त कर तथागत आश्रम लौटे। सायंकाल अंकमाल को बुद्ध देव ने पुनः बुलाया और पूछा, वत्स क्या तुमने क्रोध काम और लोभ पर विजय की विद्या भी सीखी है? अंकमाल को दिन भर की सब घटनाएं याद हो आईं। उसने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और उस दिन से आत्म विजय की साधना में संलग्न हो गया।